जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कि भारत और चीन के दरमियान नया तनाव पैदा हुआ है और भारत ने यह दावा किया है कि लद्दाख के 1000 मीटर के इलाके पे जो इलाका है उस पर चीन का कब्जा है, जबकि चीनी वजारत खारजा ने इस बात की तरदीद की है। तनाव क्यों पैदा हुआ ताज़ा, और यह साहब बार बार ये खबरें आ रही हैं कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख की साइड के ऊपर जो है मामला चल रहे हैं, चीन ने भी अपना फौजी साजो सामान वहाँ पहुँचाया है, बड़ी जंग लड़ने की तैयारी हो रही है। देखिए, इस तरह बहुत तफसील से जिक्र कर चुके हुए हैं कि लेट हो गई जब नहीं, लेट नहीं हुई। अच्छा, वो असल मसला ये कि जिस दिन आप अपनी फाइनल उस पर चाइना निकलेगा ना, उसी दिन उन्होंने फिर दोबारा जंग शुरू करनी है। और मसला सर ये है कि फिजिकली सिर्फ एक ही रास्ता सी पैक को रोकने का, और वो है पेंगोंग लेक। अच्छा, पेंगोंग लेक जो है ये उस इलाके के अंदर लद्दाख के ऊपर है। 3 महीने से चीन जो है और इंडिया के दरमियान सफारती गुफ्तगू शुरू हो रही है कि जो हमारी पहली लड़ाई थी ना, उस लड़ाई में जो आप बंदे लेके गए हो उनको वापस ले जाओ, और उसमें छोटी छोटी झड़पें झड़पें भी होती रही है। अब हुआ यह है कि वो जो उस पेंगोंग लेक के साथ जो एक सड़क है, तो जो मैं पहले भी जिक्र किया था कि 62 में चाइना ने वहां बनानी शुरू की थी, और चाइना को उस वक्त से प्लान था। आपको याद है ग्वादर को नया इशू नहीं है चाइना के, बहुत पुराना है, और ग्वादर सिर्फ चीन का मसला नहीं है, ग्वादर जो है ये रूस का भी मसला था। सही, गर्म पानी तक आने के लिए कराची को नहीं लेते थे, वो ग्वादर को लेते थे, ग्वादर मोर नियर टू द मार्केट प्लेस। तो 29 और 30 की दरमियानी रात को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर तकरीबन 2000 के करीब जो है वो चाइनीज फौजी जो है वो वहां पर पहुंचे हैं, और वहां पर उनकी एक पोस्ट थी इंडिया की लखौक पोस्ट, वहां से लखौक पोस्ट के इसका का नाम है, वहां से उन्होंने मुकाबला किया है, लेकिन उन्होंने हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जो है उस पर कब्जा कर लिया। और उस जो चाइनीज जो थे, जो इंडियन जो थे, वो लेक के आसपास इस तरफ आ गए थे, उसके अपना शुमाली किनारे की तरफ उसको धकेल के उन्होंने जनूबी किनारे को भेज दिया। अब इस वक्त लेक के एक तरफ चाइनीज बैठे हुए हैं और दूसरे उसका फायदा ये होता है कि जब आप लेक के इस तरफ बैठे हो तो ये बीच का पूरा इलाका जो कि ये जो है खुंजराब से आगे सड़क जो जाती है वो सेफ हो जाता है, क्योंकि अगर आप लेक की उस तरफ हो तो आप गोला आएगा तो इस तरफ भी कहेगा गिरेगा तो आपकी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगी। ये जो कोशिश है ये जमीन के ऊपर उनको इंटेंगल करने की कोशिश है। चाइना दूसरी तरफ से सिलगरी में, और उन्होंने नेपाल को भी उठाया हुआ है। सही, हम किसी ना किसी वॉर के अंदर तकरीबन एंटर हो चुके हुए हैं सर, ये पाकिस्तान को अंदाजा है, क्योंकि इंडिया के लिए अब चाइना के साथ मुकाबला करना अब आसान नहीं है। इसलिए इस वक्त भी आज तक, मतलब गुज़श्ता अगर 100 साल की तारीख देखें तो सबसे बड़ी जो फौज है वो बेसिकली रूस की रही है, 9.5 लाख फौज ना अमेरिका की कभी रही है ना किसी और की रही है, और उसके बाद जो फौज थी वो चीन की थी। अब इस वक्त चीन और इंडिया की अफवाज जो हैं ये दुनिया की दो बड़ी ताकतवर और उस तरह की फौजें बन चुकी हुई हैं, लेकिन इंडिया का मसला यह है कि इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट जोन इतने हैं कि इंडिया की फौज लड़ने वाली सलाहियत नहीं रखती उस पूरे इलाके के अंदर। मुसलमानों के साथ तो आप लड़ लेंगे, क्या हमने जनाब हिंदुत्वा को तकसीम किया हुआ है, हमने शिव की सरजमीन खराब की हुई है, हमने उनके देवताओं की सरजमीन को तकसीम किया हुआ है, हमने उनकी धरती माता के टुकड़े किए, चीन ने तुम्हारे कौन से टुकड़े किए हुए, तो चीन में कौन सा पंडित है जो खड़ा, चीन के खिलाफ कौन सा पंडित खड़ा होगा, और कौन मोदी को कहेगा, और चीन में कौन सा तुमने वहां जाके शिव का मंदिर है जिसको कब्जा करना है, पाकिस्तान में तो कह गए जी कटास राज है वहां लड़ो फलाना है, सिंध भी हमारा था ये भी था, और हालत यह है कि वो जो क्या है वो जो इनका तराना है जिसमें सिंध मराठा वाला जो आता है सिंध का लफ्ज शामिल है, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बकायदा अपील गई थी कि सिंध हमारे साथ नहीं है तो उसके तराने में क्यों शामिल करते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील रिजेक्ट कर दी कि नहीं सिंध रहेगा उसके अंदर। सही, यानी जिस कौम का वो तराने के अंदर वो यानी पाकिस्तान के हिस्से शामिल हो, आप खुद सोचे वो क्या क्या जब बंदे मातरम के साथ जो तराना आता। तो इस वक्त जो है अमरीका समुन्द्र में बैठा हुआ है, ये यहां पर बैठे हुए हैं और सीपैक का काम हो रहा है,
तेजी से हो रहा है। आप जो टनल आप देखें, मैं पिछले दिनों गया हुआ था हैदराबाद की, जो टनल बनी है इट्स मार्वेलस। आप सोच नहीं सकते कोई इतनी लंबी 3-4 किलोमीटर की वो टनल है, उसके अंदर वो बकायदा वेंटिलेटर्स, पंखे और सारा कुछ हुआ है, और लगते नहीं कि यहाँ की क्लास का काम हो, हाई क्लास का काम जो मानसरे को निकलती है। ये जिस वक्त अगर कंप्लीट हो गई, और सबसे बड़ी बात जो अकील करीम रेड्डी अभी कह रहे थे कि रेलवे लाइन जब कंप्लीट होगी ना, काया बदल जाएगी, काया बदल जाएगा मलवान जो है ना, वो तो ये है कि आप 7-8 घंटे के अंदर कराची पहुंचेंगे। और रेलवे लाइन जिस मुल्कों के अंदर रेलवे लाइन ठीक होती है, उस मुल्कों की पोर्ट का सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है। और चाइनीज का रेलवे सिस्टम जो है, उसके बारे में कहा जाता है कि चाइनीज इस वक्त यूरोप के तमाम ममालिक चीन को देख रहे हैं कि उन्होंने जो सिस्टम रेल का बिल्टअप किया है उससे हम फायदा उठाएं। यूरोप की रेलें पुरानी हो चुकी हुई हैं, उनका सिस्टम पुराना हो चुका हुआ है, उन्होंने उस तरह की सूरत हाल नहीं रही। चाइना की जो बीजिंग की मेट्रो है, मैंने उसमें ट्रेवल किया हुआ है, आप सोच नहीं सकते कि इससे ज्यादा अच्छी खूबसूरत वो कोई नहीं है। लेकिन इंडिया का मसला यह है कि इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट जोन इतने हैं कि इंडिया की फौज लड़ने वाली सलाहियत नहीं रखती इस पूरे इलाके के अंदर। मुसलमानों के साथ तो आप लड़ लेंगे कि हमने जनाब हिंदुत्वा को तकसीम किया हुआ है, हमने शिव की सरजमीन खराब की हुई है, हमने उनके देवताओं की सरजमीन को तकसीम किया हुआ है, हमने उनके